सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। एक तरफ देश के लोग कोरोना वायरस महामारी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीबों को दिए जाने वाले अनाज को वितरित करने में भरिष्ठ कोटेदारों की मनमानी से लोग त्रस्त हैं। ताज़ा मामला सिद्धार्थनगर जिले के बर्दपुर ब्लॉक के नौडिंगवा गांव का है, जहां कोटेदार की मनमानी से आज जा चुके ग्रामीणों ने आलाधिकारियों से इसकी शिकायत कर उचित मात्रा में अनाज वितरित कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कोटेदार उन्हें प्रति यूनिट 5 किलो अनाज की जगह 4 किलो अनाज ही देता है। साथ ही कोटेदार नेटवर्क न आने की बात बताकर घरों में आकर बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगवा ले जाता है और अनाज देने के नाम पर टाल मटोल करता रहता है और कभी कभी तो महीना बीतने के बाद भी अनाज नहीं देता है। कोटेदार द्वारा लॉकडाउन व महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कराया जा रहा है। इस मामले की शिकायत के बाद पूर्ति विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचे और लोगों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर जब हमने जिला पूर्ति अधिकारी ब्रजेश कुमार मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच चल रही है, अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कोटेदार के खिलाफ संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। तो जी हाँ, 2-3 दिन से आप लोग काफी परेशान हैं। हम लोग क्या पूरा मामला है कि हम लोग 3-4 दिन से परेशान हैं यहाँ। और पहले जो है ये जो है जाप कार्ड पे राशन फ्री मिल रहा है, पहले जो है ये पैसा ले रहे थे, तो उस पर हम लोगों ने SDM साहब से बात किया, जिले पूर्त अधिकारी से बात किया, उसके बाद में बात होने के बाद में दूसरे दिन जाके पैसा बंद किया। उसके बाद में राशन 1 यूनिट पे 4 किलो दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और गांव में जाता है गरीबों से, सबसे मूठा लगवा लेता है, मूठा लगवाने के बाद में चला आता है, उनको दौड़ाता है और राशन देता ही नहीं है। अभी किसी आज राशन बांट रहा है, आज कितना दे रहा है? आज राशन बांट रहा था, हम लोगों को लोग फ़ोन किए, 4 किलो बांट रहा है। उसके बाद में हम लोग आए SDM के साहब के पास फ़ोन किए, उसके बाद में इंस्पेक्टर भी आए, हाँ, और 4 किलो बांट रहा था। अब यही जाके जो है इंस्पेक्टर आए हैं तो 5 किलो देना चालू किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ गल्ला भी उसने पहले बेच लिया, उसका स्टॉक कमा रहा, क्या है पूरा? वो हर महीने गल्ला बेचता है, उसके बाद में कुछ लोगों को लास्ट में नहीं देता है, टाइम पास करता है, कहता है नेटवर्क नहीं, अंगूठा लगवा लेता है। कहने मतलब काफी दिक्कत करता है, काफी दिक्कत, बहुत ज्यादा दिन से दिक्कत है। ये इस समय ऐसा कर रहा है हर कम? असल बात इस समय जो है भुखमरी चल रहा है, लॉकडाउन, बहुत लोग जो है खाने के लिए उनके घर में चावल नहीं है, परेशान है लोग, इसलिए हम लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, नहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि जिनका अंत्योदय कार्ड है, जिनका जो कार्ड है वो उनसे भी पैसा ले रहा है और कई लोगों से कह रहा है कि आप राशन ना लीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए, जब कई लोग परेशान हैं। ये तो सही है, यही कहता है, और जिसके पास जाप कार्ड है उससे भी पैसा लिया है। रोल, हाँ भैया, कोटल का दिक्कत ऐसा है कि गांव पर जाकर ये अंगूठा लगवा लिए थे और पिछले महीना अभी तक राशन नहीं दिए। इस महीना आप आए हैं, मिला कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। दो महीने से पिछले महीने का, यानी आपको कितने महीने से राशन नहीं मिला? नहीं, हमको 1 महीना नहीं मिला। अच्छा, तो उस समय आपका अंगूठा लगा था? अंगूठा लग गया था पहले। कहाँ लगवाए थे? गाँव पर। कौन लगवाया था? अनिल लगवाए थे। कौन है ये? कोटेदार है, पति है। अच्छा, हाँ, तो राशन नहीं मिला तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत ये कहे थे कि ऐसा है कि राशन खत्म हो गया है, पैसा ले। अच्छा, ये हर वर्ष यही करते हैं? नहीं, हर वक्त तो नहीं किए हैं, लेकिन एक बार हमारे साथ ऐसा किया। अच्छा, ये जो आपके घर जाते हैं अंगूठा नहीं लगवा लेते हैं? नहीं, गांव पर लगवा लेते। आपसे ही लगवाते कि सबसे? नहीं, और वो गाँव में लगवा लेते हैं, जितना है 10-20 जो बढ़ता है, जो हमारे कोटरे में आते हैं वो सबका वहीं लग जाता है। अच्छा, आपका कहना मतलब ये है कि आपके घर जाके अंगूठा लगवा लिया और राशन नहीं दिया? हाँ, ये दूसरा महीना चल रहा है, ये दूसरा महीना। रोल, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम संतोष दुबे है और एक पास के गाँव के हम देवरा के रहने वाले हैं। संतोष जी, कहाँ आए थे आप? सर, हम राशन लेने के लिए आए थे, जो है हमारे पास अंत्योदय कार्ड है, कह रहा था कि राशन मत लीजिए, पैसा ले लीजिए। हम नहीं, हम मना कर दिए कि मुझे राशन चाहिए सर। अच्छा, फिर क्या कह रहा आपने मना? और सर, बिल्कुल मना कर दिया, सीधे कह रहा कि नहीं देंगे, जो करना कर लीजिए। अच्छा, जी सर, इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी सर, शिकायत के लिए सर जो अप्लीकेशन वगैरह लिखा जाता तो मौके पे मीडिया और बाकी अधिकारी भी आ गए सर, तो बयान हम कर रहे हैं सर जो हकीकत है। अच्छा, क्या कह रहा था कि पैसा ना लीजिए? हाँ, नहीं सर, गल्ला मत लीजिए, पैसा ले लीजिए सर, गल्ला नहीं है। कोटेदार का नाम क्या है? कहाँ? रीना देवी,
और वाइफ आप जो है अनिल कपूर जी, ग्राम सभा लालपुर घोसो रहने वाला, बैठपुर नंबर 10 लालपुर घोसो रहने वाला है सर ये जी। से कह रहे हैं कि आप पैसा ले लीजिए, आपात गृहस्थी पे एक यूनिट पे 4 किलो दिया जा रहा है। देखिए अगर ऐसा किसी भी कोटेदार के द्वारा किया जा रहा है, वो रीना देवी ही नहीं, तो उनके विरुद्ध जांच की जाएगी, जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आदमी को जो शासन के निर्देश हैं, अंत्योदय में 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल निःशुल्क देना है, पात्र गृहस्थी में ऐसे लाभार्थी जो सक्रिय जाप कार्ड धारक हैं उनको 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल देना है निःशुल्क, श्रम विभाग में पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनको निःशुल्क पात्र गृहस्थी में 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं दिया जाना है। इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र में नगर निकाय में पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनको पात्र गृहस्थी के अंतर्गत 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल निःशुल्क दिया जाना है, शेष को शुल्क के सहित दिया जाना है। अगर इसमें कोई भी कोटेदार कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमने 1 अप्रैल से अब तक भर में 4 FIR दर्ज करा चुके हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर मौके पे आपके इंस्पेक्टर जी गए थे, कुछ कई कुंटल उसके स्टॉक भी कमाए, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर रिपोर्ट उनकी आई नहीं है, रिपोर्ट आते ही जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो कार्रवाई की। सर बड़ी चीज़ है कि लगातार वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, ना वहाँ हैंड वॉश है, लगातार भीड़ लगा के बायोमेट्रिक मशीन यूज किया जा रहा है, तो इससे भी सर बीमारी फैलने की आशंका है। एक्चुअल में इसमें हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शासन के स्तर से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का, पूरी व्यवस्था लगी है, पुलिस लगी हुई है, जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है उसको दुरुस्त किया जा रहा है।